शिक्षक मोर्चा जिंदाबाद, शिक्षक कर्मचारी मोर्चा जिंदाबाद, शिक्षक कर्मचारी मोर्चा जिंदाबाद। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, रोजी बहाल करो, पानी पेंशन बहाल करो, पानी पेंशन लेकर रहेंगे, पानी पेंशन लेकर रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं टीवी 7 न्यूज यूपी। आप देखना शुरू कर दिए हैं, आपका अभिनंदन प्रोफेसर श्रीवास्तव का स्वीकार करें। मैं मौजूद हूँ कलेक्ट्रेट पर। आपको बता दें, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद यहाँ पे एवं कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा आज पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहा है। क्या है इनकी प्रमुख मांग, हम बात करते हैं। आज प्रदेश के आह्वान पर यह प्रदर्शन है। क्या है प्रमुख मांग? पुरानी पेंशन को लेकर लंबे समय से राज्य कर्मचारी संयुक्त मोर्चा आंदोलित है। क्या है पूरा मामला? आज आप लोग आंदोलन कर रहे हैं राज्य प्रदेशव्यापी। प्रदेश सरकार के जो समस्याएं हैं राज्य कर्मचारियों, उनकी समस्याओं को लेकर के हम लोग आंदोलित हैं। आज पूरे प्रदेश में राज्य कर्मचारियों का हर जिले में प्रदर्शन जो है मोटरसाइकिल रैली के लिए के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग जो सरकार की 12 सूत्री मांगे हमने सरकार को सौंपी थी, उस पर कोई निराकरण आज तक नहीं हुआ है। उन समस्याओं को लेकर के हम जो है आंदोलन की राह पर हैं, और जिसमें सबसे प्रमुख मांग हमारी पुरानी पेंशन बहाली है, कैशलेस की सुविधा है, साथ में वेतन आयोग में जो विसंगतियाँ रह गई जिन कर्मचारियों और जिन विभागों को नहीं मिली हैं उनका देय है, और तमाम समस्याएं हैं जो हमारी मांगों में संबंधित हैं 12 सूत्री मांग पद। उन समस्याओं को लेकर के हम आंदोलन की राह पर हैं, और हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी समस्याओं का निदान सरकार द्वारा नहीं हो जाता है। आपकी मांगे जो है राज्य कर्मचारी से संबंधित पुरानी पेंशन को लेकर, लेकिन समर्थन को लेकर स्थिति बहुत दयनीय है, क्या कारण है? ऐसा है कि हम लोग कर्मचारी सिर्फ इतने ही हैं, ऐसा है कि हम लोग कमजोर नहीं है, हमारी स्थिति कमजोर नहीं है। चूंकि गर्मी का मौसम है और ये आंदोलन जो करने का निर्णय लिया गया है, चूंकि कार्यालय चल रहे हैं जिसलिए सीमित संख्या हम लोगों ने बुलाया कि ज्यादा से ज्यादा लोग छुट्टी न लें, छुट्टी लेकर के लेंगे तो उनको कार्य के आह्वान पर आज आंदोलन था। आंदोलन में कैसा समर्थन आपको मिला? अच्छा समर्थन मिला। क्या लगता है सरकार मानना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा, हमारी बातें माननी पड़ेगी सरकार। 2024 में क्या स्थिति होगी राज्य कर्मचारियों की? 2024 से सरकार अगर बहाल ना हुआ तो, अगर हमारी पेंशन पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, और सरकार विरोधी जो कार्य होगा हम करने के लिए मजबूर होंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे राज्य कर्मचारी के नेता थे, उनका कहना है कि राज्य कर्मचारी के प्रदेश जो पेंशन को लेकर मांग की गई है वह प्रदेश आह्वान में अच्छा समर्थन मिला, और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर वह जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। प्रमुख मांगों को लेकर वह आंदोलित हैं। पेंशन प्रमुख मुद्दा है, पुरानी पेंशन बहाली। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज, अम्बेडकर नगर। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दिए हैं अपना पसंदीदा चैनल TV7 न्यूज यूपी। मैं आपका स्वागत, आपका शुभचिंतक जहांगीर आलम। दोस्तों एवं दर्शकों, आप सभी को ईद उल अजहा की ढेर सारी मुबारकबाद एवं शुभकामनाएं। भाइयों बहनों एवं प्रिय दर्शकों, चैनल को आपका अपार सहयोग मिल रहा है, ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखें। एक बार पुनः जहांगीर आलम संपादक की तरफ से ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार।